हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रवि और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आपके घर पे डीडी फ्री डिश है और आपको उस डीडी फ्री डिश पर बार बार नो सिग्नल की प्रॉब्लम आ रही, तो यह वीडियो आपको लास्ट तक वॉच जरूर करना चाहिए, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी सेटिंग बताने वाला हूँ जो सेटिंग यदि आप आपके डीडी फ्री डिश पर करते हैं तो आपके डीडी फ्री डिश पर फिर नो सिग्नल की प्रॉब्लम नहीं आएगी। यदि आपको बार बार नो सिग्नल की प्रॉब्लम सता रही है तो आपको यह सेटिंग आपके डीडी फ्री डिश पर जरूर करनी चाहिए, ताकि आपको फिर से आपके डीडी फ्री डिश पर नो सिग्नल की प्रॉब्लम ना आए। लेकिन वह सेटिंग कौन सी है, यह जानने के लिए आपको हमारा यह वीडियो बिना स्किप किए लास्ट तक वॉच करना होगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको ऐसी सेटिंग बताने वाला हूँ जो सेटिंग यदि आप आपके डीडी फ्री डिश पर करते हैं तो आपको डीडी फ्री डिश पर बार बार नो सिग्नल की प्रॉब्लम नहीं आएगी। यदि आप नो सिग्नल प्रॉब्लम से परेशान हो गए तो आपको यह वीडियो बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर वॉच करना होगा। लेकिन उससे पहले, अगर आपने अभी तक हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो अभी करें और हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हम आपके लिए हमेशा इस चैनल पर डीडी फ्री डिश से रिलेटेड ऐसे ही नई अपडेट लेकर आते हैं और आपको डीडी फ्री डिश के कुछ सेटिंग बताते हैं जिसके जरिए आपको डीडी फ्री डिश पर कोई प्रॉब्लम नहीं आती। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि कौन से वह सेटिंग जिसके जरिए आप आपके डीडी फ्री डिश पर आने वाला नो सिग्नल का प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो वह सेटिंग करने के लिए आपको सबसे पहले आपके रिमोट का मेनू बटन दबाना है। मेनू बटन दबाने के बाद अब आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, तो अब आपको यहाँ पर एडिट प्रोग्राम में चला जाना है। एडिट प्रोग्राम में आ जाने के बाद अब आपको डिलीट ऑल प्रोग्राम पर क्लिक करना है। डिलीट ऑल प्रोग्राम पर क्लिक करने के बाद अब आपको ओके पर क्लिक कर देना है। ओके पर क्लिक कर देने के बाद अब आपके डीडी फ्री डिश के सभी चैनल डिलीट हो जाएंगे। लेकिन अब आपको घबराना नहीं है, क्योंकि अब मैं आगे आपको कुछ और सेटिंग बताने वाला हूँ जिसके बाद आपके डीडी फ्री डिश पर फिर से दोबारा चैनल ऐड हो जाएंगे और उसके बाद आपकी डीडी फ्री डिश पर नो सिग्नल की प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो डीडी फ्री डिश के सभी चैनल डिलीट हो जाने के बाद अब आपको फिर से आपके रिमोट का मेनू बटन दबाना है। मेनू बटन दबाने के बाद अब आपको यहाँ पर सिस्टम सेटअप में आ जाना है। सिस्टम सेटअप में आ जाने के बाद अब आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, तो अब आपको यहाँ पर डिफॉल्ट वैल्यू पर क्लिक करना है। डिफॉल्ट वैल्यू पर क्लिक करने के बाद अब आपको ओके पर क्लिक कर देना है। ओके पर क्लिक कर देने के बाद अब आपके डीडी फ्री डिश पर फिर से सभी चैनल वापस आ जाएंगे, जिसके बाद अब आपको फिर से आपके रिमोट का मेनू बटन दबाना है। मेनू बटन दबाने के बाद अब आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, तो अब आपको यहाँ पर एडिट प्रोग्राम में आ जाना है। एडिट प्रोग्राम में आ जाने के बाद अब आपको डिलीट ऑल प्रोग्राम पर क्लिक करना है। डिलीट ऑल प्रोग्राम पर क्लिक करने के बाद अब आपको ओके पर क्लिक कर देना है। ओके पर क्लिक कर देने के बाद अब आपकी डीडी फ्री डिश के सभी चैनल फिर से डिलीट हो जाएंगे। इसके बाद अब आपको आपकी डीडी फ्री डिश के सभी रेडियो चैनल भी डिलीट करने हैं। इसके लिए आपको आपके रिमोट का मेनू बटन दबाना है। मेनू बटन दबाने के बाद अब आपको यहाँ पर रेडियो चैनल लिस्ट का एक ऑप्शन दिखाई देगा, तो उस रेडियो चैनल लिस्ट के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। रेडियो चैनल लिस्ट के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अब आपके सामने आपके डीडी फ्री डिश के जितने भी रेडियो चैनल है वह सभी खुलकर आ जाएंगे। तो अब आपको इस रेडियो चैनल को डिलीट करना है। इसके लिए आपको आपके रिमोट का मेनू बटन दबाना है। मेनू बटन दबाने के बाद अब आपको एडिट प्रोग्राम में आ जाना है। एडिट प्रोग्राम में आ जाने के बाद अब आपको डिलीट ऑल प्रोग्राम पर क्लिक करना है। डिलीट ऑल प्रोग्राम पर क्लिक करने के बाद अब आपको ओके पर क्लिक करना है। ओके पर क्लिक कर देने के बाद अब आपके डीडी फ्री डिश के सभी रेडियो चैनल भी डिलीट हो जाएंगे, जिसके बाद अब आपको आपके डीडी फ्री डिश पर एक सेटिंग करनी है, जो सेटिंग अब मैं आपको बताने वाला हूँ। तो अब आपको आपके रिमोट का फिर से मेनू बटन दबाना है। मेनू बटन दबाने के बाद अब आपको नीचे सिस्टम सेटअप में आ जाना है। सिस्टम सेटअप में आ जाने के बाद अब आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, तो अब आपको यहाँ पर नीचे सॉफ्टवेयर अपग्रेड का एक ऑप्शन दिखाई देगा, तो उस सॉफ्टवेयर अपग्रेड के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। सॉफ्टवेयर अपग्रेड यानी कि अपडेट है, यानी कि आप यहाँ से आपकी डीडी फ्री डिश के सॉफ्टवेयर को अपडेट कर सकते हैं। तो सॉफ्टवेयर अपग्रेड में आ जाने के बाद अब आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, तो अब आपको यहाँ पर नीचे अपग्रेड मोड में P2P दिखाई देगा, और यदि आप आपके रिमोट का वॉल्यूम बटन दबाएंगे तो आपको यहाँ पर P2M दिखाई देगा, लेकिन आपको यहाँ पर P2P ही रहने देना है। उसके बाद अब आपको नीचे अपग्रेड टाइप में ऑल दिखाई देगा, और यदि आप फिर से आपके रिमोट का वॉल्यूम बटन दबाएंगे तो आपको यहाँ पर कोड दिखाई देगा। उसके बाद यदि आप फिर से आपके रिमोट का वॉल्यूम बटन दबाएंगे तो आपको यहाँ पर लोगो दिखाई देगा, लेकिन आपको यहाँ पर अपग्रेड टाइप में ऑल ही रहने देना है। दोस्तों, आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि आपको यहाँ पर अपग्रेड मोड में P2P ही रहने देना है और उसके नीचे अपग्रेड टाइप में ऑल रहने देना है, उसे आपको चेंज नहीं करना है। उसके बाद अब आपको स्टार्ट पर आ जाना है। स्टार्ट पर आ जाने के बाद अब आपको ओके पर क्लिक कर देना है। ओके पर क्लिक कर देने के बाद अब आपके डीडी फ्री डिश का सॉफ्टवेयर अपडेट होना शुरू हो जाएगा। आपके डीडी फ्री डिश का सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाने के बाद अब आपको आपके रिमोट का मेनू बटन दबाना है। मेनू बटन दबाने के बाद अब आपको प्रोग्राम सेटअप में आ जाना है। प्रोग्राम सेटअप में आ जाने के बाद अब आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, तो अब आपको यहाँ पर ऐड न्यू प्रोग्राम पर क्लिक करना है। ऐड न्यू प्रोग्राम पर क्लिक करने के बाद अब मैं आपको एक फ्रीक्वेंसी बताने वाला हूँ। उस फ्रीक्वेंसी को आपको यहाँ पर आपकी डीडी फ्री डिश पर अप्लाई कर देना है, जिसके बाद आपकी डीडी फ्री डिश पर फिर से चैनल वापस आ जाएंगे। तो आपको यहाँ पर
LNB फ्रीक्वेंसी में 09750 टाइप कर देना है। उसके बाद उसके ठीक आगे भी आपको फिर से 09750 टाइप कर देना है। उसके बाद अब आपको नीचे ट्रांस फ्रीक्वेंसी में 11090 टाइप कर देना है। ध्यान से सुनिए दोस्तों, आपको ट्रांस फ्रीक्वेंसी में 11090 टाइप करना है। ट्रांस फ्रीक्वेंसी यह बहुत ही जरूरी होती है क्योंकि इसी के जरिए आपके डीडी फ्रीडिश पर चैनल आने वाले, तो आपको ध्यान से ट्रांस फ्रीक्वेंसी में 11090 टाइप कर देना है। ट्रांस फ्रीक्वेंसी टाइप कर देने के बाद अब आपको नीचे सिम्बॉल रेट में 29500 टाइप कर देना है। सिम्बॉल रेट टाइप कर देने के बाद अब आपको नीचे पॉलरिटी में वी सिलेक्ट कर देना है। यदि पॉलरिटी में पहले से वी है तो उसे वी रहने देना है, और यदि वहां पर एच है तो उसे आपको वी कर देना है। उसके बाद अब आपको नीचे 22K में ऑफ कर देना है। 22K में ऑफ कर देने के बाद उसके ठीक नीचे भी आपको फिर से ऑफ कर देना है। उसके बाद अब आपको नीचे मोड में ऑल दिखाई दे रहा होगा तो उसे आपको फ्री कर देना है। उसके बाद अब आपको इस फ्रीक्वेंसी को फिर से दोबारा देख लेना है कि आपने यह फ्रीक्वेंसी सही तरीके से टाइप की है या नहीं। फ्रीक्वेंसी देख लेने के बाद अब आपको इस फ्रीक्वेंसी को आपके डीडी फ्री डिश पर अप्लाई कर देना है, जिसके बाद आपके डीडी फ्री डिश पर दोबारा चैनल लोड होने शुरू हो जाएंगे, जिसके बाद आपके डीडी फ्री डिश पर जितने भी चैनल डिलीट हुए वह सभी चैनल फिर से वापस आ जाएंगे। उसी के साथ अब आपके डीडी फ्री डिश का नो सिग्नल का प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा। तो दोस्तों ये है वो सेटिंग जिस सेटिंग के जरिए आप आपके डीडी फ्री डिश का नो सिग्नल की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा यह वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें, ताकि हमारे ऐसे ही नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक हमेशा पहुंचती रहे और आपको हमेशा डीडी फ्री डिश से रिलेटेड ऐसे ही नई जानकारी जानने को मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।